राजगढ़ जिले की ए ग्रेड मंडी पचौर में रबी सीजन के समय अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। अपनी उपज लेकर आ रहे किसानों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें यहां पीने का पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। राजगढ़ जिले का पचौर सेंटर होने के चलते यहां पर सैकड़ों किसान अपनी उपज मंडी में लेकर आते हैं। सीजन के समय किसान अपनी उपज लेकर रात में ही मंडी प्रांगण में आ जाते हैं ताकि दूसरे दिन उनकी उपज की नीलामी जल्दी हो सके, लेकिन उन्हें इस दौरान कई अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। मंडी में बने सुलभ शौचालय की भी कई महीनों से सफाई नहीं हुई है। उनमें लगे नलों में आज तक पानी नहीं आया और आसपास इतनी गंदगी है कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल है, जिसके चलते किसानों को मंडी के बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी तो रात के समय है, लापरवाही यहीं थमी नहीं। मंडी में नीलामी के लिए रात को आने वाले किसानों के लिए मंडी समिति द्वारा जो कृषक विश्राम गृह बनाया गया है उसमें कई महीनों से ताला लटका हुआ है। मंडी प्रबंधक द्वारा उसे बंद रखा है जिससे रात में आने वाले किसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। लेटरिन बाथरूम की सभी समस्या है सर इसमें मंडी में, और लेटरिन बाथरूम भी कम से कम 10-15 साल बढ़िया हो गया, उन्हें कोई चालू ही नहीं हो रहा। अच्छा, साफ सफाई नहीं होती क्या? बिल्कुल साफ सफाई कहीं भी नहीं है। तो बाथरूम की भी समस्या है, बाथरूम की तो सोच के लिए और बाथरूम के लिए फिर कहाँ जाना पड़ता है? बाहर जावे तो प्लाट वाला डंडा जो ठोके रात के 12 बजे तक जावे, परेशानी बाहर जाना पड़े। पानी की क्या क्या समस्या है? पानी की समस्या 30 दिन 34 दिन की कहता रहा, डल जा फिर जो जाए एक टंकी खत्म हो जाए फिर बंद हो जाए, समस्या हो जाए। पानी समस्या नहीं है या नल बंद पड़ गया है, हर समस्या मंडी के वगैरह में ना मानो की विश्राम दिया कि बेड़ बाकी जाए यह भी नहीं है। रोजाना सैकड़ों की तादाद में आने वाले किसानों के आराम करने की कोई जगह मंडी में उपलब्ध नहीं है, जबकि मंडी में लाखों रुपए रोज का राजस्व प्राप्त होता है। उसके बाद भी मंडी प्रबंधक सुविधा की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। पचौर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए प्रदीप जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।